Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Pakistan, in order for them to take action to undermine the support the Taliban receives and other terrorist organizations receive in Pakistan. बहुत हो गया टू मोर, अब होगा नो मोर। सियासी और अस्करी क्यादत एक जबान। वजीर आजम शाहिद खाकान और अस्करी क्यादत से अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन की मुलाकात। खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम का इनसार मसले कश्मीर के हल पर है। पाकिस्तान ने अमरीका पर वाजे कर दिया, दोनों ममालिक का रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई पनाहगाह नहीं, पाकिस्तान ने अमरीका को साफ साफ बता दिया। वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, बोले कि रेक्स टिलरसन को कहा कि खित्ते के मसाइल अमरीका के पैदा करदा हैं। अमरीका अफगानिस्तान में अपनी रिट कायम करे और मुहाजरीन की वापसी का बंदोबस्त करे। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन का दौरे पाकिस्तान में वही पुरानी रट, पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खात्मे की कोशिशें तेज करे। दहशतगर्द खात्मा पाकिस्तान और अमरीका के मफाद में है, टिलरसन ने ट्रंप के तहफुजात पाकिस्तान तक पहुंचाए, अमरीकी सिफारतखाने का ऐलान। अमरीकी वजीर खारजा के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर चेयरमैन सेनेट बरहम। रजा रब्बानी ने कहा कि टिलरसन ने ऐसे बयान दिया जैसे वो पाकिस्तान के वॉइसराय हैं। वजीर खारिजा बयान से मुतालिक वजाहत दें। नौकंडी में मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम, जहां वहां अफराद की तादाद 16 हो गई, 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। मुसाफिर कोच क्वेटा से तफ्तान जा रही थी। इंसाफ की राह में कांटे बिछाए जाने लगे। मशाल खान कत्ल केस के डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन मुकदमे से दस्तबरदार। जफर अब्बास का गिरफ्तार, मुलजिमान के रिश्तेदारों से धमकियां मिलने का इल्जाम। अब गलत बिलिंग और ओवर बिलिंग पर होगी कार्रवाई। कौमी असेंबली की कमेटी बराए तवानाई ने नेपरा एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। ओवर बिलिंग पर अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, 3 साल तक कैद भी काटना पड़ सकती है। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को एहतसाब अदालत में पेशी के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं, कयास आराइयां दम तोड़ गईं। हसन नवाज कहते हैं नवाज शरीफ कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। शरीफ की वतन वापसी से कबल वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। सियासी और मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल, मुलाकात में हमजा शहबाज की भी शिरकत। पार्लियामेंट की हुरमत, फौज और अदलिया की हुरमत जैसी ही है। सुकरात और बकरात पाकिस्तान की कामयाबियों को पंक्चर करने पर तुले हैं। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की तनकीद, कहा मायूसी फैलाने सत्यानाश और बेड़ा गर्क ब्रिगेड सियासतदानों के सरबरा इमरान खान है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को झटका, आयशा गुलालई की कौमी असेंबली की रुकनियत बरकरार, इमरान खान की रुकनियत मंसूखी की दरखास्त खारिज। तहरीक इंसाफ ने आयशा गुलालई से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। नियाजी साहब ने हमेशा इंतजार फैलाया, वो सड़कों पर निकले तो हम भी इदारों के एहतराम में निकलेंगे। आयशा गुलालई फवाद चौधरी ने कहा कि तहफुजात बढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन खुद को मुतनाजे न बनाए। शफकत महमूद बोले कि पार्टी टिकट पर मुंतखिब शख्स पार्टी कवानीन का पाबंद है, कवायद के खिलाफ बदबात करने वाला मेंबर कैसे रह सकता है। ऑफशोर कंपनी और ट्रस्ट को समझना चाहते हैं, बैरूने मुल्क जायदाद खरीदने का तरीका कार क्या है, जहांगीर तरीन के वकील से चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालत को ट्रस्ट दस्तावेज और जहांगीर तरीन के बच्चों के दूंगा, दस्तावेज प्राइवेट हैं, उन्हें पब्लिक ना किया जाए, वकील का जवाब। बता दें कंपनी के लिए पैसा बाहर कैसे भेजा गया, अदालत के रिमार्क्स। इमरान खान की पीपल्स पार्टी को ललकार, सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी, कहा कि डाकू असेंबलियों में और गरीब 6 माह की सजा पर 6 साल कैद काटता है। नया निजामे अदल लाएंगे,
कराची में कप्तान का ऐलान। आसिफ जरदारी तैयार हो जाओ। इसके वालिद के पास 150 एकड़ जमीन थी, आज 1,00,000 एकड़ जमीन का मालिक है। 19 शुगर मिल। आसिफ जरदारी अब है तुम्हारी बारी। महकमा इत्तलात सिंध में अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम। शर्जील मेमन समेत तमाम मुलजिमान को 4 नवंबर तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वतन वापस आया, अदालतों में खुद पेश हुआ, फिर गिरफ्तारी क्यों हुई? हमारे साथ दोहरा मयार कब तक? शर्जील मेमन की जेल जाने से पहले गुफ्तगू में सवाल। मुल्क में आया अपने केस को फेस करने के लिए, मैंने सरेंडर किया आते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यहाँ की तमाम कोर्टों के सामने मैंने सरेंडर किया। आइंदा इंतखाबात से कबल पंजाब की सियासी हवा जाएगी, बड़ी सियासी शख्सियात राबिते में हैं, जल्द बड़े ऐलानात सामने आएंगे। आसिफ जरदारी ने सियासी मुखालिफिन को खबरदार कर दिया, कहा कि आरओ इलेक्शन के नतायज सियासी जमातों की मकबूलियत का नहीं माना होते हैं। नवाज शरीफ से मुतालिक आखिरी फैसला आवाम ही करेंगे। मरियम नवाज की एनए 120 में कारकुनों से गुफ्तगू, कहा पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस लाना हमारा मिशन है और नून लीग का किला था, है और रहेगा। वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ की कप्तान पर कड़ी तनकीद, बोले कि धरनों की आड़ में मईशत के साथ घिनौना खेल खेला गया, मुल्क को अंधेरों में धकेलने और तरक्की में रोड़े अटकाने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। कप्तान की गिरफ्तारी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। फरीकैन को नोटिस जारी, इलेक्शन कमीशन ने 26 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। कराची के इलाके मंगो पीर में पुलिस की कार्रवाई, औरंगी टाउन पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस में मफरूर मुलजिम अमजद आफरीदी गिरफ्तार। फैसलाबाद में सफाकियत की इंतहा, दरिंदा सिफत शख्स ने 4 साल बच्चे को गला दबाकर कत्ल कर दिया, मुलजिम गिरफ्तार। कंदील बलोच कत्ल केस, नामजद मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवि को हालत संभलते ही अस्पताल से थाने मुंतकिल कर दिया गया, 27 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। पिशावर के हलके NA4 पर जिमनी इंतखाब का मार्का, इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म, आज न्यूज की हलका तहल का खुसूसी ट्रांसमिशन, कारकुन अपनी जमातों की कामयाबी पूर उम्मीद। पिशावर के हलका NA4 में कायम 100 साल पुरानी डिस्पेंसरी भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी, 30,000 से जायद खानदानों के लिए मौजूद वाहिद डिस्पेंसरी को कौन बहाल कराएगा, उम्मीद। नैब ने शरीफ खानदान और इसाकदार के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस की पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निगरान जज के पास, तमाम मुलजिमान पर फर्दे जुर्म आयद करने की तफसीलात शामिल। IG सिंध का ऐलान, कहा कि पुलिस एहलकार किसी सियासी दबाव में नहीं, शहर में तेज धार आलों से हमलों का मकसद खवातीन में खौफ पैदा करना था। कराची के रजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रिक्रूट पासिंग आउट परेड, 17 एहलकार सिंध पुलिस का हिस्सा बन गए, तरबियत पाने वाले एहलकारों का दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का शानदार अमली मुजाहिरा।
बसपा कमाल फिर फट पड़े। कहा कि सिंध हुकूमत के पास वक्त नहीं, मेयर के पास इख्तियारात नहीं। मास्टर प्लान महकमे को बिल्डिंग कंट्रोल के मातहत करके चोर को चौकीदार बना दिया गया। लाहौर में मेडिकल कॉलेजेस के दोबारा एंट्री टेस्ट लेने पर तलबा सरापा एहतजाज। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बाहर मुजाहिरा। एंट्री टेस्ट इम्तिहानी निजाम पर सवालिया निशान है मुजाहिरीन का मौकफ। श्रीनिवास शर्मा जम्मू काश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और व्यक्तियों के साथ बातचीत प्रारंभ। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शमूलियत के बगैर मुज़ाकरात बेमायनी है। भारत ने तस्लीम कर लिया कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। भारतीय हुकूमत की मकबूजा कश्मीर की कयादत के साथ मुज़ाकरात की दावत पर दफ्तर खारिजा का रद्द अमल।